गाइस अस्सलाम वालेकुम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगी कि किस तरह वर्क करता है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा है इस प्रोडक्ट के बारे में तो जी ये है एक सनस्क्रीन सनब्लॉक इसका नाम है जी लेडी डियाना सनब्लॉक ब्लॉक एक्चुअली ब्रांड है ये उसका प्रोडक्ट है तो ये सिर्फ सन ब्लॉक बॉडी सन फेस सन ब्लॉक नहीं है बल्कि ये बॉडी और फेस दोनों पे ही वर्क करता है वाइटनिंग इफेक्ट देता है वाइटनिंग लोशन है उसके बाद जी ये क्लेम करते हैं कि ये वाटर रेजिस्टेंट है एंड अल्ट्रा सन प्रोटेक्शन है सन से आपको प्रोटेक्ट करेगा जाहिर है हर सन ब्लॉक करता है उसके बाद ये कहते हैं कि इसमें वाइटामिन ई e भी है उसके बाद ये क्लेम करते हैं कि इसमें नेशनल फूड एक्सट्रैक्ट्स भी हैं और ये नेट वेट इसका है टू हंड्रेड एम इस यही इसकी पैकेजिंग है इससे स्मॉल या इससे बिग नहीं है तो अगर इसकी पैकेजिंग के बाद की बात की जाए तो इसकी पैकेजिंग इस तरह से ही है जिस तरह दूसरे ब्रांड्स की होती है निविया लोशन पौट्स लोशन की हो गई तो ये इसकी जो है लुक है ओवरऑल और जी दूसरा अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर मेंशन है इसकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन है मेड इन थाईलैंड का ये प्रोडक्ट है अगर अगर आपको यहाँ पे मिले मेड इन पाकिस्तान मेड इन चाइना तो आप लोग समझ लें कि ये ओरिजिनल नहीं है कॉपी है तो जी ये बस बार बार ये क्लेम करेंगे एस पी एफ़ फोटी है एस पी एफ़ फोटी का मतलब ये है कि फोर फोर आवर्स जो है ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा यूवे रेज से और ये फेस एंड बॉडी सन ब्लॉक है एंड बिलीव मी ये बहुत अच्छा है बहुत लाइट वेट है आप इसको एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ करें ये भूल जाए कि ये सन ब्लॉक है एज ए मॉस्चराइजर इसको यूज़ करें और दबा के यूज़ करें दबा के मतलब हर दो दो घंटे बाद हर एक एक घंटे बाद इसको लगाएँ और अगर आप इसको पॉजिटल यूज़ करेंगे तब भी इतनी जल्दी ये फिनिश नहीं होने वाला लेकिन आपको इतना अच्छा ये रिज़ल्ट देगा ना अगर आप कोई और क्रीम नहीं यूज़ करे कोई आप नाइट क्रीम कोई डे क्रीम नहीं यूज़ करे तो बस यही यूज़ करे ना ये आपकी ऑल इन वन होगी अगर आपके फ्रैकल्स हैं स्किन पे पिंपल्स हैं तो ये रेगुलर यूज़ करने से वो ख़त्म हो जाएंगे पिगमेंटेशन इससे ख़त्म हो जाएगी ये क्लेम इस तरह का कुछ भी नहीं करते लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसके मुसलसल यूज़ करने से ये सब रिजल्ट मिलते हैं तो जी अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये जो है प्रोडक्ट और क्या क्या क्लेम करता है यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी होती हैं इसमें क्या है वो कहते हैं कि मिल्की सन ब्लॉक लोशन है ये पावरफुल है और जो है यू वी बी रेस से और यू वी ए रेस से आपको प्रोटेक्ट करेगा वाटर रेजिस्टेंट है जिसको मैंने आपको पहले भी बताया है वाइटमिन ई e है इसमें और जो है यह वाइटनिंग इफेक्ट छोड़ेगा इसके अलावा इसके इंग्रेडिएंट आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिखे हुए कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसमें बस इतना ही है और ये एस पी एफ़ फोर्टी एस पी एफ फोर्टी का मतलब ये है कि फोर आवर्स तक ये आपको आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा एस पी एक्स सिक्सटी जो होता है वो सिक्स आवर्स तक होता है सेवनटी जो होता है वो सेवेंटी आवर्स तक होता है लेकिन मेरे ख्याल में ये सारे सेम टू सेम ही हैं आप फोर्टी वाला लें वो भी उतना ही वर्क करेगा जितना कि नाइन्टी वाला करेगा वो बस आपके पैसे ज़ाया करने वाली बात होती है लेकिन ये सारे जो सन ब्लॉग्स हैं वो एक ही वर्क करते हैं अच्छा तो अब हम बात कर लेते हैं इस इसकी टेक्सचर की कि इसका टेक्सचर कैसा है तो जी ये देखें ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मिल्की और वाटरी फॉर्म में आता है कोई चिपचिपा पन नहीं है ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कोई इसमें चिपचिपा पन नहीं है कोई इसका थिक सा फॉर्म नहीं है बहुत ही लाइट वेट मैंने बहुत ज़्यादा लगाया लेकिन आपने इससे भी कम क्वांटिटी में लगाना है तो ये हल्का सा वाइटनिंग इफेक्ट छोड़ेगा और उसके बाद ये आ, अब्ज़ॉर्व हो जाएगा स्किन में बहुत इजीली एब्जॉर्ब होगा और बहुत ही आपको इससे ना रिलैक्सेशन वाली फीलिंग्स आएंगे ऐसे कुछ भी स्किन पे बॉडी पे ऐसे बोझ बोझ नहीं लगेगा इसका टेक्सचर आप इस तरह समझ लें जैसे अगर आपने नीविया लोशन यूज़ किया है तो ये उस तरह का देखें दोनों मेरे हैंड्स में आप लोग फ़र्क महसूस कर सकते हैं ये इस तरह का वाइटनिंग इफेक्ट नहीं देगा जैसे फेयर एंड लवली देता है उस तरह का नहीं देगा लेकिन ये बहुत ही प्यारा और स्मूथ इफेक्ट देगा और इस बात करें इसकी स्मेल की तो इसकी स्मेल जो है वो थोड़ी सी हार्श है लेकिन कुछ टाइम के बाद ये वैनिश हो जाएगी स्मेल इतनी आपको इरिटेट नहीं करेगी तो जी इसकी प्राइस की बात करें तो ये मुझे मिला था जब मैंने इसकी फ़र्स्ट बॉटल बाई की थी तब ये मुझे मिला था थ्री सेवेंटी का उसके बाद मैंने सेकेंड बॉटल इसकी बाई की थी ये मुझे फोर हंड्रेड का मिला था उसके बाद मुझे अगेन मैंने ये थर्ड बॉटल है तो ये मुझे मिला है फाइव फिफ्टी आई थिंक इस तरह का डेट भी है एक्सपायरी डेट भी है यहाँ पर इसकी मैंशन जो कि बहुत अच्छी बात होती है तो अगर आप लोग परेशान हैं कि आप लोग सन ब्लॉक यूज़ करें सर्दियों में यूज़ सर्दियों में तो स्पेशली यूज़ करना चाहिए आप लोग धूप पर बैठते हैं धूप आप लोग सेकते हैं तो उसके लिए तो फुल बॉडी के लिए आपको यूज़ करना चाहिए सिर्फ फेस के लिए नहीं अपने हैंड फिट्स के लिए भी यूज करना चाहिए तो अगर आप ये हैंड्स फीड और फेस के लिए यूज करें तो आपका आराम से छह महीने आराम से गुजर जाएंगे इस बॉटल को मेरा गर्मियों में इतना खास यूज नहीं होता गर्मियों में इतना बाहर नहीं निकलती लेकिन मुझे सर्दियों में ज्यादा यूज होता है तो यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए बच्चों के लिए आ, मेल फीमेल हर तरह के लोगों के लिए ये बेस्ट है बेस्ट है उसके अलावा अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज्यादा नीट है नीट एंड क्लीन है तो आप लोगों को फाउंडेशन या कोई भी बेबी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है आप बस ये प्रोडक्ट लगाएं और उस पर हल्का सा ग्लॉस लगाएं और जिलानर लगाएं तो आपका मेकअप जो है नो मेकअप लुक भी फिनिश हो जाएगा बिल्कुल तो जी जो जो लोग ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उनका एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के बारे में कैसा है और जो लोग नहीं यूज़ करते वो ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे आके मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे रिव्यू के बाद अगर आप लोगों ने ये यूज़ किया है तो आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं मैं आ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रिव्यूज़ शेयर करती हूँ पहले मैं चीज़ को ट्राई करती हूँ अगर मुझे बेस्ट लगे तो ही मैं ये रिकमेंड करती हूँ ऐसे मैं उठा के रिकमेंड नहीं कर देती तो जी मेरी तरफ से ये 99 परसेंट रिकमेंडेड है फॉर ऑल स्किन टाइप्स फॉर मेल फीमेल किड्स सब के लिए ठीक है तो अगर आप लोग को बाई करना चाहें तो बाय करें बिल्कुल ही और इसका जो वाइटनिंग एक तो ये वाइटनिंग लोशन है और एक वाइटनिंग क्रीम है वो क्रीम मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है आप लोगों ने अगर बाय करनी है तो ये लोशन ही बाय करें वो ज़रा थोड़ी सी हैवी हैवी हो जाती है वो आप लोग को इतना लाइट इफेक्ट नहीं देगी तो ये बेस्ट है आप लोग इसको बाय करें और जी दुआओं में याद रखिएगा मिलूंगी आपसे किसी न्यू वीडियो के साथ न्यू व्लॉग के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़